good morning everyone so today we are going to see the english Baal Bharati of standard 3rd let me start with the chapter number 27 the bremen town in musician bremen name bremen is the city of germany okay germany me excitica name that is bremen okay so once there was a donkey in the town okay वंस दर वॉज ए डोंकी हुए एक डॉन्की था डोंकी बहुत मेहनत करता था ओके किसके लिए अपना मास्टर के लिए काम करता था ब्रीमेन इज अ सिटी इन जर्मनी ओके ऑफ जर्मनी सो वंस दर वॉज ए डोंकी ड वर्क लॉन्ग एंड हार्ड फॉर इज मास्टर ओके नाउ ही हैड ग्रोन वीक अभी उसको काफ़ी उम्र हो चुका है इस बिकम इज सो वीक एंड कू नॉट डू मच वर्क और कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा बिकॉज ही सो बिकम वीक सो इज मास्टर बिगेन टू ट्रीट हिम अन कैंडी जो उसका जो मास्टर है जो टीचर है उसका जो बॉस है वो बहुत ही उसके साथ क्या करता है बरबस ट्रीट नहीं करता था सो इज मास्टर बिगैन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली ओके ही बिगैन टू डू द टॉर्चर ओके ही बिगैन ही इवन बिगैन टू स्टाफ द डोंकी ऑल्सो वो भूखा रखता था कुछ खाने को सही टाइम पे नहीं देता था ही वॉन्टेड टू सेव द मनी ही स्पेंड द डॉन्कीज फूड वो क्या कर, वो उसका मास्टर क्या करता था वो अपना पैसे को बचाना चाहता था जो डॉकी को खाने के लिए जो देता था वो नहीं देता था क्योंकि वो सेव करना चाहता था उस पैसे को ओके ही वॉन्टेड टू सेव द मनी ही स्पेंट ऑन द डोंकीज फूड इन द एंड आखिर में क्या हुआ द पुअर डोंकी लेफ्ट द हाउस उसको डोंकी को क्या करना पड़ा उस घर को छोड़ना पड़ा एट लास्ट द पुअर डोंकी लेफ्ट द हाउस ही बिगन बिलीव ही बिलीव ही स्टिल हैड ए गुड स्ट्रांग सिंगिंग वॉइस वो बिलीव करता है हु इज बिलीव डोंकी बिलीव करता है कि मेरा वॉइस बहुत अच्छा है ही हैज़ ए गुड स्ट्रोंग वॉइस सो ही डिसाइडेड कौन डोंकी डिसाइड किया टू गो टू ब्रीमन ब्रीमन मतलब एक टाउन का नाम है जो जर्मनी में है ओके ही डिसाइडेड टू गो ब्रीमन टाउन एंड अर्न इज लिविंग अर्न इज लिविंग मतलब टू बी पेड इनफ मनी टू लिव ऑन मतलब उसको काफ़ी पैसे मिल जाएंगे अगर गाना गाया तो वो सर्वाइव करने के लिए उसको जीने के लिए वर्ड ही यूज टू गो टू द ब्रीमन टाउन टू अर्न स्लेविंग लिविंग टू अर्न इज लिविंग मतलब टू बी पेड इनफ मनी वहाँ पे उसको काफ़ी पैसे मिल जाएंगे अगर वो मेहनत करे तो कुछ काम करे तो ऑन द वे जाने के रास्ते पे क्या हुआ ब्रीमन टाउन जा, जा, जाते वक्त ऑन द वे मेट एन ओल्ड डॉग उसको एक उसको एक एक डॉग मिला जो काफी उम्र हो चुका है ओके ऑन द वे ही मेट एन ओल्ड डॉग ही टू हैड बीन किक्ड आउट ऑफ द हाउस बाय क्रूएल मास्टर उसे भी घर से निकाल दिया गया था उसके मास्टर ने निकाल दिए द डॉग वाज अफ्रेड वो बहुत टेंशन में था चिंता में था वेयर आई विल गो अभी मैं किधर हूं हाउ विल आई अर्न माय ब्रेड उसको खाने के लिए क्या करेगा

वेल पेड़ well वहाँ पे काफी पैसे हमें मिल जाएंगे लोग हमें पैसे देंगे सो टू चैंपियन वेंट ऑन टुगेदर तो आखिर में क्या हुआ डॉन्क एंड डॉग दे वेंट टुगेदर इन द ब्रीमेंट टाउन सडनली दे हर्ड ए कैट है ना बिल्ली दिखाई दिया हम सडनली देर हर्ड ए कैट म्यूविंग सैडली विथ ये भर के रो रही थी चुछ चुछ Billy, the cat was crying with the tears in his voice. Why are you crying? They asked. Both of them answered. Donkey and dog. How can I be happy knowing that my mistress is going to be drown me? मुझे मुझे गलत कर रहे थे, मुझे घर से निकाल रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे? They're going to drown me. Okay? They're going to. Uh, I am an old

और उसके सोना बहुत अच्छा लगता था आई को नॉट कैच माइस ऑल्सो एज आई डिड बिफोर पहला चूहा को पकड़ लेती थी आसानी से बट अभी नहीं हो पा रहा सो माई मिस्ट्रेस डज नॉट नीड मी एनी उसको अभी नहीं जरूरत था वेर आई माई एम आई टू गो कहाँ पर मैं जाऊँ कम विथ टू ब्रीमन चलो हम ब्रीमेन में जाएंगे यू हैव ए स्वीट वॉइस तुम्हें बहुत ही स्वीट वॉइस है you know the night music you too can be a town musician Tum be a town musician ho, sakte ho. yes said the donkey now three all of them donkey then dog that cat all three they went together to the bremen they travelling for some time till they came upon a farmyard there they heard a cock loud wailing you know एक मुर्गा का आवाज़ आ रहा था कॉक वॉज लाउड नॉइस ओके वेन दे मेड एन इंक्वायरी वेद दे मेड ए इंक्वायरी द कॉक टोल दैम माई मिस्ट्रेस इज प्रिपेरिंग ए फिस्ट फॉर हर गेस्ट है ना मेरा जो मिस्ट्रेस है मास्टर मिस्ट्रेस मास्टर ए मैन दर इज मेल ओके मैस्कुल एंड मिस्ट्रेस इज अ फेमिनाइन ओके सो हीज मिस्ट्रेस प्रिपेरिंग अ फिश है ना एक गेस्ट आया हुआ है उसके लिए खाने के लिए तैयार करें और वो मुझे मानना चाहते हैं ये लाइक वाइज द कोक वॉज टे शी हेज़ टोल्ड द कोक टू किल मी फॉर द फिश या शी हेज़ टोल्ड द द कोक है ना जो खाना बना रहे हैं उसको कोक बोलते हैं कोक को बताया गया है कि इसे मार कर खाना बना दो शी हेज़ टोल्ड द कोक टू कील मी फॉर द फेज आई एम सो फ्राइटेड मे मैं बहुत डर गया सो द डॉकी इन्वाइटेड द कॉक टू तो डोंकी ने क्या क्या कॉक को भी इन्वाइट कर दिया टू जॉइन द बैंड ऑफ म्यूजिशियन ओके तो ये सब चारों डॉकी डॉक कैट एंड द स्कॉल इन्वाइटेड एंड दे वेर ट्रेवल टू द ब्रीम एंड टोंग ब्रीम एंड टॉन्ग टू बिकम ए म्यूजिशियन ओके so all the three was still long away to go on the way they have to cross a forest jaate wa unko forest pass ho ke jana pad raha tha okay they want to cross a forest and they begin to go as they began to begin to dark and there काफी andher ho raha tha raat hone wali thi the cock flew to the top of the tree the cock kya hua jhaad ke upar jaake बैठ गया. the cock flew to the top of the tree to look around for the shelter he saw the old house यस, ही सो है ओल्ड हाउस एमॉन्ग द ट्री द फोर फ्रेंड्स डिजाइडेड टू रेस्ट देर फॉर द नाइट उस जंगल में एक छोटा सा घर दिखाई दिया तो ऑल द फोर आर डिजाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर द फॉर द नाइट ओवर देर ऑल द फोर यस उनको द लास्ट दे हैव डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया कि रात के समय हम इधर ही रेस्ट करेंगे इन दन टू द स्मॉल हाउस ओके सो आई एम गोट टू स्टॉप हीयर सो रेस्ट ऑफ़ द Lesson will complete tomorrow, okay, dear children. And you're going to write the hard words, a difficult hard words you're going to write in your notebook, okay.